और दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के छठे महीने के बारे में। प्रेगनेंसी का छठा महीना प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही का आखिरी महीना होता है। इस दौरान आपकी प्रेगनेंसी के 20 सप्ताह पूरे हो चुके होते हैं और अगले 4 सप्ताह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी आप पूर्ण रूप से एक प्रेग्नेंट महिला दिखाई देती हैं, क्योंकि आपके बेबी बंप का साइज काफी बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे आपके शिशु का विकास होता है, वैसे वैसे आपका शरीर खून के उत्पादन को बढ़ाता है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी के छठे महीने के बारे में। साथ ही हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी के छठे महीने में गर्भवती महिलाओं के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, कौन कौन सी परेशानियां गर्भवती महिलाओं को होती है, शिशु का आकार, शिशु का वजन कितना होता है और गर्भवती महिलाएं छठे महीने में क्या क्या सावधानियां बरत सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के छठे महीने में गर्भवती महिलाओं के शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में। प्रेगनेंसी के छठे महीने में गर्भवती महिलाओं को शिशु की हलचल काफी ज्यादा महसूस होती है। यह वह महीना होता है जब आपका शिशु काफी ज्यादा हलचल करता है, किक मारता है, गुलाटी मारता है, गर्भ में पूरी तरह से घूमता है और इसका एहसास वह आपको आसानी से करा सकता है। अभी तक आपका काफी वजन बढ़ गया होगा। इस दौरान गर्भाशय आमतौर पर पेट के ऊपर 1 इंच या उससे अधिक तक बढ़ता है। इसके कारण आपकी नाभि बाहर की ओर निकली हुई दिखने लगती है। छठे महीने में मसूड़ों से खून आने की समस्या बनी रहती है और अगर ये समस्या ज्यादा हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। गर्भाशय बढ़ने से पेट के निचले हिस्से में खिंचाव होने लगता है। इस वजह से उस भाग में खिंचाव के निशान पड़ सकते हैं, जिस वजह से आपको असहजता महसूस हो सकती है। प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपको नकली लेबर पेन, जिसको ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, वह शुरू होने लगेंगे। ये थोड़ी थोड़ी देर में 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रहने वाले सकुचन हैं। हालांकि इस तरह के पेन ज्यादातर 8वें और 9वें महीने में होते हैं। प्रेगनेंसी के छठे महीने में गर्भवती महिलाओं को पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। आपके शिशु का विकास होने के साथ साथ गर्भाशय का आकार भी बढ़ता है। आपका पेट आगे की तरफ निकलता है और शरीर में मौजूद हार्मोन पेल्विक क्षेत्र और मांसपेशियों को ढीला करते हैं, जिसके कारण आपकी पीठ में दर्द की समस्या सामने आने लगती है। प्रेगनेंसी के छठे महीने में गर्भवती महिलाओं के हाथों, पैरों और एड़ियों में सूजन आ सकती है, जो कि सामान्य बात है। प्रेगनेंसी के छठे महीने के दौरान आपके और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के पोषण की पूर्ति करने के लिए आपके शरीर में टिश्यू के अंदर तरल पदार्थ बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पेल्विक क्षेत्र में ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जो आपके शरीर में, खासकर आपके पैरों, हाथों और एड़ियों में होने वाले सूजन का कारण बनता है। और प्रेगनेंसी में इस अवस्था में सूजन का आना एक आम लक्षण माना जाता है। गर्भावस्था के छठे महीने के आसपास आपको खाना देर से हजम होने लगता है। गैस, कब्ज, पेट फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये आम समस्याएं होती हैं। इस महीने में गर्भवती महिलाओं को अनिद्रा की परेशानी होना आम है। ज्यादातर ये समस्या रात को बार बार पेशाब जाने की वजह से होती है। जब बड़े हुए गर्भाशय के कारण मूत्राशय पर दबाव पड़ता है तो बार बार पेशाब आता है। इसके अलावा रात में जब आपका शिशु किक मारता है तब भी गर्भवती महिलाओं की नींद अक्सर टूट जाती है। प्रेगनेंसी के छठे महीने में राउंड लिगामेंट दर्द हो सकता है। जैसे जैसे गर्भावस्था का समय बढ़ेगा, आपको शरीर में दर्द रहने की समस्या बढ़ सकती है और ये दर्द गर्भाशय के बढ़ने के कारण होता है और इस दर्द को राउंड लिगामेंट दर्द कहा जाता है। प्रेगनेंसी के छठे महीने में गर्भवती महिलाओं के हाथों और पैरों में झनझनाहट हो सकती है। गर्भावस्था के छठे महीने में रक्त संचार बढ़ने के कारण आपके हाथों और पैरों में झनझनाहट होने की समस्या हो सकती है। ऐसा ज्यादातर उन गर्भवती महिलाओं के साथ होता है जो ऑफिस में काम करती हैं। लगातार कंप्यूटर पर काम करने के कारण हाथों में झनझनाहट हो सकती है और इस समस्या से बचने के लिए आप बीच बीच में अपने हाथों को आराम देती रहें।
इस सब के अलावा भी बहुत से सामान्य लक्षण हैं जिसका अनुभव प्रेगनेंसी के 22वें सप्ताह यानी प्रेगनेंसी के 6 महीने के आसपास होता है। इसमें बार बार भूख लगना, प्यास लगना, गर्मी ज़्यादा लगना, हल्का फुल्की कमजोरी महसूस होना आदि शामिल है। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 6 महीने में शिशु का आकार और वजन के बारे में। प्रेगनेंसी के 20 से 24 सप्ताह के बीच शिशु में बहुत से बदलाव आते हैं जिन्हें आप महसूस करती हैं। इस दौरान आपका शिशु गर्भ में हरकत करना शुरू कर देता है और वह बाहर की आवाजों को सुन सकता है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया भी दे सकता है। अब वह रोशनी के प्रति संवेदनशील हो चुका है। जब आप अपने पेट पर टॉर्च मारेंगे या रोशनी मारेंगे तब वह ज़्यादा प्रतिक्रिया करेगा या ज़्यादा हलचल करेगा या ज़्यादा किक करेगा। अब आपका शिशु अंगूठा चूस सकता है। शिशु इस दौरान हिचकी भी ले सकता है। स्किन की पारदर्शिता खत्म हो जाती है। शिशु का दिमाग तेजी से विकसित होता है। अभी शिशु के फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, उनका विकसित होना जारी रहेगा। शिशु के वास्तविक बाल और नाखून उगने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त शिशु के लगभग सभी अंग तैयार हो चुके होते हैं। प्रेगनेंसी के 6 महीने के अंत तक शिशु 10 से 14 इंच तक लंबा हो सकता है और प्रेगनेंसी के 6 महीने के अंत तक शिशु का वजन 550 ग्राम से लेकर 650 ग्राम तक हो सकता है। स्किन लाल और झुर्रीदार होती है जिस पर मुलायम बालों की एक परत होती है। उसके सोने और जागने का एक पैटर्न बन जाता है जिसे आप महसूस कर सकती हैं। शिशु के पेट में मिकोनियम नाम का काला पदार्थ जमा होना शुरू हो जाता है जो उसका जन्म के बाद पहला पॉटी या पहला मल होगा। इस दौरान शिशु अपने आप सांस नहीं ले पाता। यही कारण है कि प्री मेच्योर जन्म होने पर शिशु को इंक्यूबेटर में रखा जाता है। प्रेगनेंसी के 6 महीने में गर्भवती महिलाओं को भूख और प्यास बहुत तेजी से लगती है क्योंकि इस दौरान आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास काफी तेजी से होता है। विकास तेजी से होने के कारण उसे ज्यादा पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है जिस कारण आपके शरीर में खून का उत्पादन बढ़ जाता है। हार्मोनल बदलाव भी लगातार होते रहते हैं तो ऐसे में आपके डाइट में प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, फाइबर और दूसरे पौष्टिक आहार का शामिल होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी के 6 महीने में अपनी डाइट का खास ध्यान रखना है। आपको भरपूर मात्रा में मौसमी फल, हरी सब्जियां, भरपूर मात्रा में पौष्टिक आहार, पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ बनी रहे और प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की परेशानी होने पर डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना है, देर नहीं करनी है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।